हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर को तो so, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लिया था नौ इस वीडियो में देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल की सैम्पलिंग क्या होता है कितने टाइप की सैम्पलिंग होती है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले बिकॉज मैंने जो फर्स्ट वीडियो आपको सैम्पलिंग की बताई थी तो उसमें मैंने सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को एक्सप्लेन किया था एंड सैप्पलिंग को कम्प्लीट इन्यूमरेशन के साथ मैंने कंपेयर करके आप लोगों को वो चीज़ बताई थी यहाँ पे मैं प्योरली आपके साथ सिर्फ सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ तो देखिए सैम्पलिंग होता क्या है वैसे सैम्पलिंग मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ तो सैम्पलिंग मैं फिर से बता दे रही हूँ सैंपलिंग एक ऐसा मेथड और टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम लोग पॉपुलेशन से सैम्पल को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो सैंपलिंग है सैम्पलिंग के हमारे दो मैथड होते हैं हमारे पास तो जो सैंपलिंग का जो पहला मैथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग तो रैंडम सैंपलिंग को आप लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोल सकते हो तो देखिए सिंपल अगर आप लोगों को सैम्पलिंग लिखने के लिए आता है तो आप लोग एग्जाम में क्या लिखोगे आप लोग लिखोगे कि सैम्पलिंग एक इस तरह की टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम लोग पॉपुलेशन से सैम्पल को ड्रॉ कर सकते हैं तो इंग्लिश में आप लोग इसको अपने आप से देख लेना है ना अगर आप लोगों को वैसे इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि जो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक है उसमें आप लोगों को इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगी बट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को मैं हिंदी में बता दे रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द जो भी ऑडियंस है इस चैनल की तो वो उसको हिंदी में अच्छे से समझ में आता है एंड को इंग्लिश में समझना है तो मैं डेफिनेटली वो जो सब टाइटल्स हैं मैं वो ऐड कर दूंगी बिकॉज अभी थोड़ा सा मेरा लैपटॉप में प्रॉब्लम चल रही है तो इसलिए मैं वो अभी ऐड नहीं कर पा रही हूं बट डेफिनेटली मैं उसको ऐड कर दूंगी अब देखिए सैम्पलिंग हमारी टू टाइप्स की होती है एक होती है रैंडम सैम्पलिंग जिसको आप लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कह सकते हो और दूसरी होती है हमारी नॉन रैंडम सैम्पलिंग जिसको आप लोग क्या कहते हो आप लोग उसको कहते हो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अब देखिए जो हमारी रैंडम सैंपलिंग होती है तो रैंडम सैंपलिंग में हम लोग पॉपुलेशन से जो भी सैम्पल्स को ड्रॉ करते हैं उनको हम लोग किसी लॉ के बेसिस पर ड्रॉ करते हैं मतलब इंडिपेंडेंटली किसी भी सैंपल को हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं मतलब किसी भी यूनिट को अपने सैंपल में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बट ये जो हमारी नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है जिसको हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं तो उसमें जो भी हम यूनिट्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं सैंपल में तो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करते हैं हमें जो यूनिट चाहिए होती है हम उस उस यूनिट को पॉपुलेशन से कर लेते हैं मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि अगर आप किसी भी शॉप पर गए हो ग्रोसरी शॉप पर गए हो वहां पर आपको हर वराइटी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलेंगे बट हमारी जो चॉइस होती है हमें जो चाहिए होता है वेदर इट इज राइस इट इज मील और इट इज एनीथिंग एल्स तो हम लोग उन चीजों की एक लिस्ट बना के जाते हैं और उन्हीं चीजों को हम लोग अपना जो कार्ड है उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये जो ये जो इस टाइप की सैम्पलिंग है वो हमारी नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है है ना तो इस एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो देखिए अब सैम्पलिंग के बाद हमारा आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखिए मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह की सैम्पलिंग है जिसमें अगर मान लीजिए हमारी कोई भी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन में कोई भी हमारी यूनिट्स हैं तो इन सभी यूनिट्स को जो ड्रॉ करने की प्रोबैबिलिटी होती है मतलब ये यूनिट्स जो है वो हमारे सैंपल में आ जाएं इसकी जो प्रोबैबिलिटी होती है वो सबकी सेम होती है मतलब अगर मान लीजिए इस पॉपुलेशन में हमारी टोटल थ्री यूनिट्स हैं तो U1 के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री है U2 के भी ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री है और U3 के भी ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री है मतलब सभी यूनिट को ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री होगी मतलब कि सैम्पल में ये यूनिट्स इंक्लूड हो जाएं तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है तो इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और जो सैम्पल हमें इस मेथड के थ्रू मिलता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा सिंपल रैंडम सैंपल है सो आई होप ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब देखिए जो हमारे सिंपल

तो अब मैं आपको बता दूं कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है वो क्या होता है अब मान लीजिए ये हमारी पॉपुलेशन है इसमें हमारी यूनिट्स हैं अगर हम लोगों ने मान लीजिए ये तीन यूनिट्स हैं इन तीन यूनिट्स में से जो हम लोगों ने सैम्पल लिया है उसमें मैंने ले ली यूनिट मान लीजिए यू आ गई एंड यू आ गई अब ये हमने सैम्पल में जो यूनिट्स हैं इनको ले तो लिया है बट अगेन हम लोग इस यू, इन यूनिट्स को वापस रख दे मतलब मान लीजिए पहले हमने यू वन निकाला देन यू वन को अगेन पुट कर दिया देन उसके बाद हमने यू थ्री निकाला तो यू थ्री को अगेन पुट कर दिया तो इस तरह की सैम्पल सैम्पलिंग जिसमें हम लोग यूनिट को पॉपुलेशन से निकालने के बाद उसमें उसमें दोबारा ही उसको पुट कर देते हैं पॉपुलेशन में तो इस तरह की सैम्पलिंग को कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट दैट मीनस जो जो यूनिट्स हमारी हम ड्रॉ कर रहे हैं उनका अगेन रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसी पॉपुलेशन में तो इस केस में हमारा ये हो सकता है कि जो हमारी यूनिट्स हैं उनका प्लीकेशन हो सकता है मान लीजिए पहले हमने यूनिट यू वन निकाली देन अगेन इसको पुट 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 कर दिया देन अगेन मान लीजिए हम कोई भी यूनिट निकाल रहे हो तो अगेन यूनिट यू वन आने के चांसेस हैं तो अगर मान लीजिए दोबारा में भी यूनिट यू वन आ गया तो इसका मतलब पहले हमारी यूनिट यू वन आई फिर अगेन यूनिट यू वन आ गई इसका मतलब यहां पे यूनिट्स का डुप्लीकेशन होने के चांसेस होते हैं और हो भी जाती है हमारा डुप्लीकेशन यहां पर अब ये देखिए ये सिंपल हो जाता है हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट अब जो हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट होता है तो उसमें अगर हम लोग कोई भी यूनिट पॉपुलेशन से ड्रॉ करते हैं सैम्पल में उस यूनिट को दोबारा पॉपुलेशन में वापस पुट नहीं करते हैं तो इस वाली सैम्पलिंग में हमारा जो यूनिट्स है उनका डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज अगर हमने मान लीजिए निकाला, तो यू वन को हम लोग दोबारा वापस नहीं रखेंगे दैट मींस यहाँ से हटा दिया गया है देन अगेन हम लोग ने मान लीजिए दूसरा जो यूनिट निकाला उसमें यू थ्री आ गया तो यू थ्री को भी यहाँ से हटा देंगे देन अगेन यहाँ पे बचेगा क्या यू टू बचेगा तो यहाँ पे लास्ट में यू टू आ जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनिट्स का डुप्लीकेशन नहीं होगा बट विद रिप्लेसमेंट में यूनिट्स का डुप्लीकेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो यहाँ से ये यह हो जाता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट तो अब देखिए हमारा जो सैम्पलिंग है उनमें अब कुछ हमारे पास थ्योरम्स हैं कुछ प्रूविंग्स हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं तो देखिए है, पहली जो थ्योरम है तो पहली थ्योरम ये कहती है कि इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन एट एनी ड्रॉ इज़ वन अपॉन एन वेयर कैपिटल एन इज द पॉपुलेशन साइज तो देखिए इस थ्योरम को प्रूफ हमें करना है तो इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि अगर कोई भी यूनिट हम लोग पॉपुलेशन से ड्रॉ कर रहे हैं जिसका साइज कैपिटल एन है तो उनकी जो यूनिट्स हैं उसको ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो वो वन अपॉन एन हो जाएगी तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि मान लीजिए कि आप लोग यू आई मान सकते हो कि यू आई जो है आपका कोई भी मान लीजिए कि ये आई एथ ड्रॉ है यू आई आपका कोई भी आई एथ ड्रॉ है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी यूनिट है उसको हम लोगों ने सैम्पल में इंक्लूड कर लिया है ठीक है तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे अगर आप लोग निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आई प्रोबेब आप लोग सबसे पहला फर्स्ट एम्पल को हम लोग लेके चलते हैं ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ यू वन मतलब कि जो फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने ड्रॉ करी है उसके ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वन अपॉन एन हो जाएगी देन अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ यू टू आप लोग निकालोगे तो वो भी क्या हो जाएगी वन अपॉन एन हो जाएगी देन अगेन जो आप लोग अपना जो आर एथ यूनिट निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी वन अपॉन एन तो एक्स इज इक्वल्स टू वन r is equal to 1, 2, 3 up to so on. सो so, यहाँ से ये सिंपल हो जाता है थ्योरम का प्रूफ तो इस प्रूफ में कुछ भी नहीं है बहुत ही ज़्यादा इजी प्रूफ है एंड इसके बाद का जो प्रूफ है ये प्रूफ मैं जो आपको बता रही हूँ ये हमारे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के केस के प्रूफ है विदाउट रिप्लेसमेंट की बारी आएगी तो मैं उसका भी आपको प्रूफ बताऊंगी तो देखिए ये प्रूफ हो गया इस थ्योरम का अब देखिए जो सेकेंड थ्योरम है तो सेकेंड थ्योरम में हमें फाइंड करना है इन अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज ओ ए स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली थेरा मैंने यहाँ पे आपको बताई थी उसमें था कि इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ स्पेसिफाइड यूनिट बस आपको यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे था अ स्पेसिफाइड यूनिट और यहाँ पे है एनी स्पेसिफाइड यूनिट तो यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है तो यहाँ पे भी सिंपल आप लोग लिखोगे कि इन दैट यू आई इज द आई एथ ड्रॉ दैट इज वन यूनिट इज सेलेक्टेड इन द आई एथ ड्रॉ मतलब जो आई एथ ड्रॉ था उसमें हम लोगों ने एक यूनिट को सेलेक्ट कर लिया है ठीक है अब आप, आप लोगों ने एक यूनिट को सेलेक्ट किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब यू वन आप लोग निकालोगे तो वन अपॉन कैपिटल एन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यू टू निकालोगे तो वो भी वन अपॉन कैपिटल एन हो जाएगा इसी तरह से जब आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आर निकालोगे तो वो भी वन अपॉन एन हो जाएगा तो जो फाइनल आपका रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी होगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी वो सारी इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हो जाएगा दैट मीन्स वन अपॉन कैपिटल एन वन अपॉन कैपिटल एन प्लस वन अपॉन कैपिटल एन तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो कि टोटल देखिए जो हम लोगों ने सैम्पल ड्रॉ किया है पॉपुलेशन से क्योंकि हमारे देखिए हमें में यही प्रूव करना था कि दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इन द सैम्पल इज स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन और यहाँ पर हम लोगों को ये भी पता था कि जो हमारी पॉपुलेशन थी उसका साइज कैपिटल एन है इसके लिए मैंने आपको बताया है मतलब आप आप लोग जब इसका प्रूफ करेंगे विद रिप्लेसमेंट का या विदाउट रिप्लेसमेंट का तो वहां पे आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि आपका पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन है और जो आपका सैंपल है उसका साइज स्मॉल एन है इसका मतलब ये आपने स्मॉल एन सैंपल्स के लिए निकाल रखा है ये भी आपने स्मॉल एन सैंपल्स के लिए इसका मतलब जब आपने स्मॉल एन ड्रॉस करे हैं तो ये उन सारे ही ड्रॉस की प्रॉबिलिटी वन अपॉन एन वन अपॉइन एन वन अपॉन एन आइए बट रिक्वायर्ड प्रॉबीबिलिटी हमें हम क्या करेंगे इन सभी एन प्रोबिलिटीज का सम कर देंगे तो आपको पता है ये एन टाइम्स लिखा हुआ है इसका मतलब कि आप इन सभी का सम कर रहे हो तो इन सब कसम डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर n टाइम्स वन 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 लिखा है तो उनको जब ऐड करोगे तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन आ जाएगा तो यहाँ से हो जाती है इस थ्योरम की प्रूविंग नाउ अब देखिए ये सिंपल हमारे uh, प्रूविंग्स थी अब हमारी जो प्रूविंग्स आने वाली हैं उसमें हम लोग जो सैंपल मीन होता है मान इससे सैंपल लिया है सैंपल में स्मॉल एन यूनिट्स हैं सकती हैं तो इन सब का जो मीन आएगा x मान सकते हो, आप लोग वाई बार भी मान सकते हो है ना जो भी आप लोग ले चल रहे हो आप लोग वो चीज़ वहाँ पेट करोगे तो इनका ये सैंपल मीन होता है फाइंड करेंगे वेरियंस के बाद हम लोग इसका जो पॉपुलेशन मीन स्क्वायर होता है देखेंगे उसका क्या होता है तो उस तरह से हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो देखिए इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूंगी कि जो कि आप लोगों को एग्जाम में प्रूविंग्स करने से पहले नोटेशन को स्पेसिफाई करना जरूरी है अगर आप लोग ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अगर आप लोग ये सारी प्रूविंग्स कर रहे हैं तो साइड में आपको नोटेशन जो है वो देते हुए चलने हैं जो भी मैं आपको बताऊंगी तो वो आपको करना है सो so, आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको अनवाइज

अदरवाइज़ अगर किसी को पी चाहिए है इन नोट्स के लिए तो आप लोग में से जो लोग भी हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं तो जो सैम्पलिंग का मेरा पूरा कोर्स है जो मेरे पास पी है मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी सब so, मुझे इजाज़त दीजिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग अनबाइजनेस के बारे में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ नाइस डे